बिजनेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, इन पार्ट 10 वी आर गोइंग टू सॉल्व डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नाउ इन पार्ट 11 वीडियो वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 5.5। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। लेट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड वी गेट लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। दिस इंप्लाइज दैट लॉग वाई इक्वल टू लॉग ब्रैकेट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव होल रेस्ट टू दी पावर 1/2। दिस इंप्लाइज दैट लॉग वाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। दिस कैन बी रिटन बाय यूजिंग द फार्मूला लॉग एम रेस्ट टू द पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम। देन वी राइट 1/2 लॉग इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। दिस इंप्लाइज दैट लॉग वाई इक्वल टू 1/2 लॉग एम बाई एन। इट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉग एम बाई एन एंड ऑल्सो वी नो दैट लॉग एम बाई एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एम। देन वी राइट 1/2 लॉग एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। दिस इंप्लाइज दैट लॉग वाई इक्वल टू 1/2 वी नो दैट लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। देन वी राइट लॉग एक्स माइनस वन प्लस log x minus 2 minus in similar way we write log x minus 3 plus log x minus 4 plus log x minus 5. This implies that log y equal to 1/2 log x minus 1 plus log x minus 2 माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ दिस गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मींस डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी राइट डी बाई डी एक्स log y is equal to 1/2 d by dx log x minus 1 plus d by dx log x minus 2 minus d by dx log x minus 3 minus d by dx log x minus 4 minus d by dx log x minus 5. Dear student, we also know that d by dx log x equal to 1/x. Then d by dx log x minus 1 is equal to 1/x minus 1. D by dx log x minus 2 equal to 1/x minus
dy dx log x minus 3 equal to 1 by x minus 3, dy dx log x minus 4 equal to 1 by x minus 4, and also dy dx log x minus 5 is equal to 1 upon x minus 5. This implies that dy dx log y means 1 upon y, dy by dx is equal to 1 by 2, value of this is 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 4 minus 1 upon x minus 5. This implies that dy by dx is equal to y into 1 by 2 in bracket 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 4 minus 1 upon x minus 5. And from first, value of y is root x minus 1 into x minus 2 upon x minus 3 into x minus 4 into x minus 5 into 1 upon 2 in bracket 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 4 minus 1 upon x minus 5. This is required derivative of given function with respect to x. Now dear students, some questions are given in your Google Classroom. Thanks.